दोस्तों जरा हम लोग रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं। किस प्रकार के अलंकार को हम लोग रूपक किस प्रकार के दोस्तों अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच, हमने कहा दोस्तों जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच संयोजक का चिन्ह यानी डैश आए और उसके पीछे सा सी से जैसे शब्द आदि न हो या न आए, तो ऐसे अलंकार को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। एक बार और हम लोग डेफिनेशन को जरा रिवाइज करते हैं। उपमा अलंकार में दोस्तों हमने कहा पंक्ति में संयोजक के चिन्ह के साथ सा सी से आते हैं, लेकिन दोस्तों रूपक अलंकार उन्हें कहा जाता है जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच संयोजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी से जैसे शब्द ना आए। यानी दोस्तों संयोजक का चिन्ह या डैश वाला तो सिंबल आ सकता है, लेकिन दोस्तों सा सी से ये नहीं आएगा। बात समझ में आई हमने क्या कहा, संयोजक का चिन्ह आएगा पंक्ति में, सा सी से जैसे शब्द न आए यानी ये सब नहीं आएंगे। चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं हम लोग जरा। उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे चरण कमल बंदव हरि राय हरि गाई, चरण कमल बंदव हरि गाई। तो यहां पर दोस्तों देखिए चरण कमल बंदव हरि गाई, तो दोस्तों इसमें कहीं सा सी से आया नहीं, लेकिन डैश इसमें जरूर आया यानी संयोजक का चिन्ह जरूर आया। तो दोस्तों अगर सा सी से न आए और संयोजक का चिन्ह ना जाए तो ऐसे अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। अब यहां पर देखिए राम नाम मणि दीप धरी जिह देहरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरी जिह देहरी द्वार। दोस्तों यहां पर देखिए डैश आ रहा है, संयोजक का चिन्ह आ रहा है, एक यहां पर संयोजक का चिन्ह है दूसरा यहां। तो दोस्तों संयोजक का चिन्ह आए लेकिन सा सी से न आए या आ ही नहीं रहा है, तो दोस्तों ऐसे अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक अलंकार।